सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, क्या आप भी इस बजट के अंदर कोई 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जहां पर आपको अच्छे खासे कैमरास वगैरह मिल जाए, अच्छी परफॉर्मेंस हो, तगड़ी स्पेसिफिकेशन हो? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लेकर आया हूं टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000 रुपीज। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस लिस्ट को। और सबसे पहले हम बात करते हैं उन यूज़र्स की जिन्हें एक नॉन चाइनीज़ फ़ोन लेना है, साथ ही साथ उन्हें अच्छी परफॉर्मेंस भी चाहिए और तो भाई अच्छे कैमरास वगैरह भी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सैमसंग का गैलेक्सी F23। हालांकि आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन दोनों ही फोन के यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं। साथ ही अगर हम फोन के डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.6 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली TFT LCD पैनल। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। 500 नीट्स की ब्राइटनेस दी गई है, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टर्न स्नैपिंग रेट मिलती है। डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको थोड़ी सी ठीक ठाक मिलेगी और साथ ही आपको यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच भी मिलता है। रही बात फोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरास मिलते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप यहाँ पर ठीक है और आउटपुट भी काफी अच्छे निकल कर आते हैं। रही बात वीडियो आउटपुट की, तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS और बैक कैमरा से आपको यहाँ पर अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है अप टू 30 FPS। सो फोन का कैमरा परफॉर्मेंस यहाँ पर काफी अच्छा है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 8 NM बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G का चिपसेट, जो कि थोड़ा सा पुराना चिपसेट है लेकिन अभी भी आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। अंतुतु की बात करें तो ये स्मार्टफोन लगभग 3 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि परफॉर्मेंस तो आपको अच्छी देगा ही, साथ ही साथ आप यहाँ पर अच्छी गेमिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो देखा जाए तो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आती। वैसे पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और ये फोन 25W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। पर आपको यहाँ पर बॉक्स के अंदर कोई भी एडेप्टर नहीं मिलेगा, आपको एडेप्टर को अलग से परचेस करना होगा। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। सो बैटरी मॉडल भी यहाँ पर अच्छा है। रही बात यहाँ पर स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की, तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स और ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन भी मिलेगा। और दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 पर, साथ ही एंड्रॉइड 13 का अपडेट भी आपको यहाँ पर बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, ये फोन भी अप टू 12 5G बैंड को सपोर्ट करता है। सो अगर आप एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको अभी देने होंगे लगभग 14,000 रुपये, पर आपको बैंक ऑफर्स के साथ में ये फोन भी मिल रहा है लगभग 13,000 रुपये की प्राइस पर। तो आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते आगे और बात करते हैं अब उन यूजर्स की जिन्हें दोस्तों यहाँ पर स्टॉक UI के साथ में अच्छी परफॉर्मेंस वगैरह चाहिए। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं मोटरोला का G62। ये जो फोन है ये आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी काफी स्ट्रांग दी गई है और साथ ही साथ हल्के फुल्के वाटर प्रोटेक्शन के साथ में आता है। रही बात स्मार्टफोन के डिस्प्ले की, तो फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है और 600 नीट्स की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस भी दी गई है। साथ ही 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। सो बजट के अकॉर्डिंग डिस्प्ले आपको यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरास मिलेंगे, जहाँ पर मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर दिया गया है। कैमरा सेटअप फोन के यहाँ पर अच्छे हैं, डे लाइट में फोटोज भी काफी अच्छी आ जाती हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर काफी सारे डिफरेंट मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 60 FPS और फ्रंट से आपको यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 FPS। चलिए परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6 NM बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट। वैसे दोस्तों ये इस बजट के अंदर आने वाला एक वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट है, जो कि आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। और दोस्तों ये फोन लगभग 4 लाख के आसपास अंततः स्कोर भी कर जाता है। साथ ही साथ LPDDR4X रैम और UFS 2.2 वाला आपको यहाँ पर स्टोरेज भी दिया गया है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी और 20W की चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। वहीं पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात कर लें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर जिसकी ऑडियो क्वालिटी काफी क्रिस्प और लाउड है, साथ ही साथ हाइब्रिड स्लॉट मिलेगा। और दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 पर, लेकिन बहुत ही जल्द एंड्रॉइड 13 का अपडेट आपको इस फोन के अंदर मिलने वाला है। सो ओवरऑल फोन काफी अच्छा है, अप टू 12 5G बैंड के साथ में भी आता है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 6GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको देंगे 15,999 रुपये। वैसे अगर आप मोटोरोला की तरफ से 4G स्मार्टफोन में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर मोटो के G72 को भी देख सकते हैं। 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, हीलियो G99 का चिपसेट लगा हुआ है। और दोस्तों ये फोन आपको मिलता है प्लास्टिक OLED पैनल के साथ में। प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये भी फोन बहुत अच्छा है और अभी आपको ये फोन मिल रहा है 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये की प्राइस पर। तो आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं।
और दोस्तों बात करते हैं उन यूजर्स की जिन्हें एक अच्छा खासा ऑलराउंडर पैकेज भी लेना है, साथ ही साथ उन्हें 5G का सपोर्ट भी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनफिनिक्स का नोट 12 5G। ये फोन आपको डिजाइन और लुक के मामले में काफी कमाल का देखने को मिलता है, हालांकि प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है और बिल्ड क्वालिटी भी फोन की काफी अच्छी है। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.7 इंचेस की एक AMOLED पैनल, जहां पर आपको फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, 700 नीट्स की ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 120 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। तो 5G के तौर पर डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर भी आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगा। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिलते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और आपको यहाँ पर एक QVGS सेंसर दिया गया है। सेल्फी की बात करें तो आपको यहाँ पर मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है, डे लाइट में फोटोज भी अच्छी आ जाती हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक और फ्रंट दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर 2K रिजोल्यूशन तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS। तो परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस MediaTek का Dimensity 810 का चिपसेट, और ये चिपसेट काफी स्टेबल है, अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको देता है। अंततु की बात करें तो लगभग 3.5 लाख के आसपास आपको यहाँ पर अंततु स्कोर मिल जाते हैं। तो डेली टास्क के साथ आप यहाँ पर काफी अच्छी गेमिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। पावर हाउस की बात करें तो 5000mAh की बैटरी और 33W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी मिल जाती है। वहीं पर स्मार्टफोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, 3.5mm का जैक, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन, और दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 पर, तो ये भी काफी अच्छी बात है। लेकिन थोड़े मोटे ब्लॉटवेयर्स और बग्स वगैरह आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो देखा जाए तो सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिसेंट मिलेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि स्मार्टफोन अप टू 12 5G बैंड को सपोर्ट करता है। तो फ्रेंड्स देखा जाए तो काफी तगड़ा पैकेज है, आप चाहें तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। 6 और 64 के लिए आपको देने होंगे 12,999 रुपये। तो चलिए बढ़ते हैं इसके अगले फोन की तरफ, और अगला स्मार्टफोन है इस बजट के अंदर आने वाला काफी तगड़ा फोन है दोस्तों, और ये फोन यहाँ पर Vivo का T1 5G। बात करें इस फोन की दोस्तों तो ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी दोनों ही फोन के यहाँ पर बहुत अच्छे है। डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर आपको मिलती है 6.58 इंचेस की फुल HD+ वाली IPS LCD पैनल, पैंडा ग्लास का सपोर्ट आपको मिल जाता है, साथ ही 550 नीट्स की ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको काफी अच्छी दी गई है, हालांकि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में आती है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास मिल जाते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, 2 का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी स्नैपर मिलता है। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर डिसेंट है, लेकिन आउटपुट बहुत ही कमाल के निकल कर आते हैं। वैसे दोस्तों यहाँ पर आपको काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पर नाइट मोड जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS। चलिए परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस Qualcomm Snapdragon 695 का चिपसेट, साथ ही साथ फोन के अंदर आपको यहाँ पर लिक्विड कूलिंग चैम्बर भी दिया गया, और ये स्मार्टफोन अंततु पर लगभग 4.5 लाख के आसपास स्कोर करता है, जो कि बहुत अच्छे स्कोर है। साथ ही LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी लगा हुआ है। तो परफॉर्मेंस और गेमिंग दोनों में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, 18W की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिलती है। वहीं पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात कर लें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स और हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। वैसे ये फोन पर आपको मिलता है फनटच OS 12। भाई सॉफ्टवेयर भी काफी अच्छा है, काफी अच्छे फीचर्स वगैरह के साथ में आता है, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन सिर्फ 2 ही 5G बैंड को सपोर्ट करता है, लेकिन ओवरऑल फोन काफी अच्छा है, तो आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। 4GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 15,990 रुपये, बट बैंक ऑफर्स के साथ में ये फोन अंडर 15,000 रुपीज की प्राइस पर आपको मिल जाता है, चाहें तो इसे देख सकते हैं। वैसे तो बात करते हैं लिस्ट के आखिरी फोन की दोस्तों, और ये फोन यहाँ पर पोको की तरफ से आने वाला पोको का X4 Pro 5G। ये फोन पूरी तरह से आपको ग्लास बिल्ड पर मिलता है, फ्रंट और बैक दोनों ही साइड आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी काफी स्ट्रॉन्ग है और डिजाइन भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया। वैसे डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर आपको मिलती है 6.67 इंचेस की फुल HD+ वाली सुपर AMOLED पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, 1200 नीट्स की ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट दिया गया है, तो इसके अंदर बहुत अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरास मिलते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर दिया गया है। कैमरा सेटअप फोन का अच्छा है, डे लाइट में फोटोज भी काफी अच्छी आती हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक और फ्रंट दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते अप टू 30 FPS। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्मार्टफोन के अंदर भी आपको मिलता है 6nm बेस Qualcomm Snapdragon 695 का चिपसेट, और दोस्तों यहाँ पर भी आपको लिक्विड कूलिंग चैम्बर देखने को मिल जाता है, परफॉर्मेंस आपको काफी कमाल की निकाल कर देता है। ये स्मार्टफोन भी अंततु पर लगभग 4 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको यहाँ पर दिया गया है। सो इस बजट के अंदर आपको परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं आती है,
पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 एमएच की बैटरी मिलती है और 67 वॉट की हाइपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है और चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। वहीं पर एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लें तो दोस्तों यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर और हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलेगा। वैसे दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 11 पर, लेकिन बहुत ही जल्द एंड्रॉइड 12 का अपडेट यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है। सो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये स्मार्टफोन एक ऑलराउंडर फोन है, अप टू 7.5G बैंड को सपोर्ट करता है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप इस फोन की तरफ भी देख सकते हैं। 6G बात करें प्राइसिंग की तो 6 और 64 के लिए अभी आपको देने होंगे 14,999 रुपये। और देखा जाए भाई तो काफ़ी अच्छा फोन है, आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कौन से फोन की तरफ देखना चाहिए। दोस्तों अगर आप नॉन चाइनीज में इंटरेस्टेड हैं, अच्छे कैमरास, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो सैमसंग F23 डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं, साथ ही साथ अच्छे कैमरास वगैरह चाहते हैं, तो मोटो का G62, आईकू का G6 5G और इन्फिनिक्स नोट 12 5G भी आपके लिए डेफिनेटली एक अच्छे ऑप्शन है। और अगर आप यहाँ पर ऑलराउंडर स्मार्टफोन में इंटरेस्टेड हैं तो पोको X4 प्रो इस बजट के अंदर वाला वन ऑफ द बेस्ट फोन है, आप चाहें तो इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों सभी के जो लिंक्स है दोस्तों वो भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। और उम्मीद है आप सभी को आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।